नमस्कार दोस्तों, आज के एक नए बिजनेस आइडिया में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके लिए लेके आता हूँ यूनिक बिजनेस आइडिया। यूनिक इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत ही कम पैसों में आप बहुत अच्छा मार्जिन कमा सके, ऐसे ही कुछ चुनिंदा बिजनेस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, आज की जो जो वीडियो उसमें भी एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आपके लिए लेके आया हूँ। इस बिजनेस को दोस्तों आप चाहें महिलाएँ कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों अगर पैसा नहीं है, बहुत ही कम पैसा है, और अगर आप कुछ नए बिजनेस की तलाश में हैं और आप गांव में बैठे बैठे इस बिजनेस को बड़े आसानी से कर सकते हो। और दोस्तों, मार्जिन की बात करें तो इसमें जो भी आप पूंजी लगाएंगे, जो भी प्रोडक्ट बेचेंगे, उसमें आपको डबल होने वाला है। कहीं घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही डिमांडिंग आइटम है और सबसे यूनिक प्रोडक्ट है दोस्तों, इसलिए आपको कहीं भटकना नहीं है। उसको लेके आपकी दुकान यानी जो भी आपको प्रोडक्ट है, लोग खुद चल के आपके पास आने वाले हैं और आपका जो मार्जिन है दोस्तों उसमें डबल रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लेके आता हूँ आपके लिए यूनिक बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों, फटाफट चर्चा करते हैं जो आज के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, आज का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो गरीब से गरीब आदमी इस बिजनेस को कर सकता है, क्योंकि बहुत ही कम पूंजी में बहुत ज़्यादा मुनाफा देने वाला बिजनेस आपको बता रहा हूँ। आपने बहुत से YouTube पे वीडियो देखे होंगे जिसमें बहुत सारा पैसा लगाया जाता है, मशीनें खरीदी जाती है, और फिर भी जो रिस्क रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, आज का जो बिजनेस है इसमें कोई रिस्क नहीं है, आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना है, कोई बड़ी दुकान लेने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी छोटे से कोने में अगर आपके पास छोटी भी कहीं पर भी दुकान अगर मिल जाती है दोस्तों, एक छोटी सी दुकान लेके आप अपने गांव देहात में या अगर शहर में करना चाहते हो तो भी अच्छा, अगर आप गांव से हो तो गांव में भी कर सकते हो। उसके बाद आपको स्टार्टिंग करना है कि जो जन्म से लेके जो मरण तक का जो प्रोडक्ट रहते हैं, जिनको पूजा सामग्री बोला जाता है मार्केट में, तो पूजा सामग्री का सामान दोस्तों आपको मार्केट में सेल करना है, आपको रिटेल में बेचना है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो मार्जिन है ना वो डबल है, डबल से भी तीन गुना भी है, लेकिन डबल की बात करें तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है दोस्तों, अगर आप गांव में मान लीजिए किराने की दुकान खोलते हैं या अदर कोई भी बिजनेस खोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मार्केट में रखने पड़ते हैं और उसमें मार्जिन 10%, 20%, 30% तक रहता है। लेकिन ये जो ऐसा एक बिजनेस है दोस्तों, जो एक तो एक सबसे यूनिक होगा, आपको किराने की दुकान तो मार्केट में बहुत सारे, एक गाँव में छोटे से गाँव में भी 2, 4, 10 दुकानें भी मिल सकती है। लेकिन आप पूजा सामग्री की दोस्तों बात करें तो इसमें आप कोई दुकान नहीं मिलने वाली, यानी बिना कंपटीशन वाला दोस्तों बिजनेस है। और इस बिजनेस में मार्जिन की दोस्तों बात करें तो 50% मतलब डबल होता है, तीन गुना भी होता है, चार गुना तक भी इसमें ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं, मतलब कम से कम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें डबल मुनाफा ना हो। तो इसलिए आपको काम करने में मज़ा भी आएगा और आपका कोई कंपटीशन भी नहीं होगा, तो इसलिए माल भी बहुत स्पीड में बिकेगा। और दोस्तों, जब त्यौहार वगैरह रहते हैं या दूसरा किसी का भी कुछ भी काम ऐसा रहता है, त्यौहारों के सीजन में बहुत ज़्यादा मतलब शादी ब्याह त्यौहार रहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बिकता है, क्योंकि आप सभी को पता है जब भी कोई हवन सामग्री लेने जाते हैं बाहर मार्केट में जाते हैं तो आप 5-5, 10-10 हज़ार रुपये की खरीदारी करनी पड़ती है, और शादियों में भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अगर मान लीजिए दोस्तों वही प्रोडक्ट आपके गाँव में दुकान होगी तो यकीन मानो दोस्तों, वो जो बाहर सिटी जाने से बजाय आपसे ही पूरा सामान लेगा, तो आपका जो मुनाफा है ना दोस्तों 50%, अगर मान लीजिए 5,000 का किसी ने सामान लिया तो 2,500 रुपये उसमें बचत होती है दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया एक यूनिक आइटम है दोस्तों, और कोई इसमें कंपटीशन नहीं है। अगर आपने एक दुकान खोल ली, अगर आपका छोटा मोटा शहर है तो वहाँ खोल सकते हो, आप चाहो तो गाँव से स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें स्टार्टिंग करने के लिए सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई लेडीज़ भी कर सकती है, अपने घर से भी शुरुआत कर सकती है। घर पे अगर आपके बाहर कहीं छोटी दुकान है तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, मतलब घर से भी स्टार्ट किया जा सकता है और दुकान से भी स्टार्ट किया जा सकता है। और दोस्तों, इस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो दोस्तों, अगर आप इसको दुकान से छोटी दुकान से स्टार्ट करते हैं, अगर मान लीजिए 5,000 भाड़ा है या 10,000 भाड़े में अगर आप करते हो तो भी कर सकते हो, अगर छोटी जितना स्टार्टिंग से कम में करेंगे, क्योंकि एक यूनिक आइटम है दोस्तों इसमें, आपने अगर आपकी जो दुकान है कोने कुपचे में भी कहीं पर भी रहेगी तो भी आपके पास जो कस्टमर है वो आने ही वाले हैं, क्योंकि जो यूनिक प्रोडक्ट रहता है, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट रहता है, तो उसके लिए जो कस्टमर है वो कहीं पे भी चले जाते हैं। तो कहीं भी आप दुकान ले लेना, और उसमें दोस्तों अगर आप स्टार्टिंग में मात्र 15,000 से 20,000 का भी अगर आप सामान इस दुकान में रख देंगे तो आपकी दुकान एक भरी भरी दिखेगी और आपका जो काम है पहले दिन से स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो इनकम है जो पहले दिन से स्टार्ट होगी। जो प्रॉफिट की बात मैंने जैसे बता दी दोस्तों, इसमें दुगना 4 गुना तक प्रॉफिट है।
आप मात्र 15-20 हज़ार में इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। और दोस्तों सैंपल के तौर पे आपको मैं एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ मार्केट में होलसेल से, ये आप देख पा रहे हैं ये कपूर है और इसके अंदर 20 पीस है कपूर के जो इसमें पैकेट डब्बी पैक किया हुआ है और इसमें जो MRP है दोस्तों वो 15 रुपये है। तो 15 रुपये वाली की जो डब्बी है वो मात्र मुझे 4 रुपये में मिली है। अब 4 रुपये में जो ख़रीदारी हुई है मतलब ये 20 पैकेट है मतलब 80 रुपये मेरे को मिला है और ये 15 रुपये के हिसाब से दोस्तों इसको रिटेल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो 10 रुपये में बेचते हो तो भी आपको 4 रुपये की चीज़ अगर आप 10 में बेचेंगे तो भी 2.5 गुना प्रॉफिट है। अगर आप थोड़ा डिस्काउंट के साथ जैसे बेच रहे हैं तो भी ग्राहक भी खुश हो जाए कि मुझे कुछ डिस्काउंट मिला और आप इसको 2.5 गुना प्रॉफिट में भी बेच सकते हैं। इस तरह मैंने एक सैंपल आपको दिखाने का प्रयास किया ताकि आपको कुछ समझ पड़े। इस तरह से जितने भी आइटम हैं दोस्तों इसमें बहुत सारे आइटम हैं, सैकड़ों आइटम हैं, लेकिन आप सैकड़ों आइटम स्टार्टिंग में नहीं रखिएगा। आप मात्र 20 से 30 आइटम जो रेगुलर आइटम हैं उनसे स्टार्ट कीजिएगा। जैसे जैसे आपके पास पूंजी जुड़ेगी आपका जो मुनाफा आएगा उसी मुनाफे से अपनी दुकान के अंदर प्रोडक्ट को बढ़ाते रहिए और देखते देखते दोस्तों आपकी दुकान में बहुत सारे प्रोडक्ट हो जाएंगे और आपका जो दुकान है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है दोस्तों, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगर फिर भी इसमें कुछ कमी रह गई है, कुछ आपको सवालों के जवाब नहीं मिले हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों अगर माल की बात करें तो आपको कहाँ खरीदना है मैं बताना भूल गया, आप चाहो तो इंडिया मार्ट की वेबसाइट पे जाके भी सप्लायर का पता कर सकते हो, बहुत आसान है क्योंकि इंडिया मार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो आप वहाँ पर क्वेरी में डाल दीजिए कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, आपको पूजा सामग्री मटेरियल डाल देना है तो वहाँ पर बहुत सारे जो सप्लायर है आपके नज़दीक के वो आपको वहाँ पर शो करेंगे और आपसे आपका नंबर उनके पास चला जाएगा, उन सप्लायरों के नंबर आपके मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे, उससे आप कांटेक्ट कीजिए, आप उनसे बात कीजिए कि सर मुझे ऐसा सा स्टार्ट करना है तो आपसे प्रोडक्ट लेंगे, आप अगर आप हमें अच्छे रेट में देंगे तो आपसे रेगुलर लेंगे। इस तरह से आप बात कीजिए, उनसे मिलिए, रूबरू दुकान पे जाइए और वहाँ से माल परचेज कीजिए। बाकी अगर आप इंडिया मार्ट नहीं जानते तो आप अपने लोकल जो भी बाज़ार है होलसेल बाज़ार वहाँ पर जाके भी इस चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी मार्केट में दुकानें आजकल खुल गई है तो हर एक चीज़ का होलसेल मिल जाता है, तो इस तरह से आप माल परचेज कीजिए, बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना, चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।